एमएसएमई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से अयोध्या में श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन फोकल पॉइंट के प्रांगण में पॉल्यूशन कार्यालय के समक्ष किया गया। इस मौके पर सांसद सुशील रिंकू, प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, आप नेता दिनेश ढल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस लंगर का शुभारंभ किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह, सुनील शर्मा, राजीव जयरथ, संदीप महाजन, संदीप गुप्ता, प्रगट सिंह, अशोक मल्होत्रा, नवनीत कुमार, नवदीप बाबा, गगन मल्होत्रा, दर्शन सिंह, योगेश बेदी, सुमित दुग्गल, अमित दुग्गल, अंकुर कोहली, परम अरोड़ा, अमरजीत सिंह भाटिया, राजेंद्र मेहता, एनके कोहली, सनी सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। भारत देश ले बहुत महान दिन है। सैकड़े वर्षों बाद अयोध्या दे विच रामचंद्र जी दी, श्री रामचंद्र जी दी, जिन्हां दे जीवन तो बहुत हर आदमी सीख सकता है, एज ए ब्रदर, एज ए सन, तो उन्होंने जो जीवन उन्हों का जिहड़ा देखिया जाए तो साढ़े वास्ते हमेशा लई इंस्पायरिंग है। उन्हों की प्राण प्रतिष्ठा जिहड़ी अयोध्या हो रही है, उस उपलक्ष्य साढ़े MSME इंडस्ट्री एसोसीएशन वालों फोकल पॉइंट के एक महान लंगर का आयोजन किया गया है, ताकि असी भी इस यज्ञ च अपनी आहुति पा सकीए ते साढ़े सारे वीर इंडस्ट्रीज भरा इत्थे पहुँचे हुए हैं। मैं इन्हां शब्दों नाल जय श्री राम। अज शुभ दिहाड़े ते जिहड़ा अज शुभ मुहूर्त हो रहा है मंदिर का 22 जनवरी नूं, ते सारे देशवासियों नूं अपने वल्लों अपने एसोसीएशन वल्लों मैं बहुत बहुत वधाइयां दिंदा, ते साडी जिहड़ी आ जनरेशन नूं इह मौका मिलिया 500 सालां बाद इह दिन देखण दा, इस करके बहुत वधिया दिहाड़ा है अज, ते सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਮੈਂਬਰ MSME ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।